Good morning, everybody. I am Sunil Kadam, HPE, Health and Physical Education. आज हम देखेंगे स्प्रिंट के बारे में या डैश जिसे कहते हैं. स्प्रिंट करने के लिए एथलीट में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए और उसे इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम आज पहले करेंगे कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वार्म अप एक्सरसाइज एंड स्पेसिफिक एक्सरसाइज. स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप एक्सरसाइज के बारे में आप जानते हैं. स्प्रिंट के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइज हम करेंगे और फिर देखेंगे स्प्रिंट करते कैसे हैं. तो पहले स्पेसिफिक एक्सरसाइज में आप करेंगे नियम जो आपके स्टेपिंग्स बढ़ाने के लिए फायदेमंद होंगे. नियम के लिए आपको हाथ वहाँ ऊपर रखने हैं चेस्ट लेवल इस तरह से और फिर नी उठाना है. बिना हाथ को नीचे लिए आपको आपका नी आपके हाथ को टच करना है. ये स्पेसिफिक एक्सरसाइज में हम पहली एक्सरसाइज देख रहे हैं नियम. इस तरह से नी को ऊपर उठाना है. देखिए मेरे हाथ जगह पे है और मेरा नी जो है वो मैक्सिमम ऊपर आ रहा है. यहाँ आपके पेल्विक बोन एंड थाई बोन का जॉइंट जो है वो जॉइंट के लिए ये एक्सरसाइज है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ओके, ये थी नी अप एक्सरसाइज. अभी हम देखेंगे बैक की एक्सरसाइज. ये दो टाइप की है. एक बटक की जो आपको हाथ यहाँ रख के आपके हिल जो है हाथ को लगाने हैं. इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड करा के हमने रनिंग के लिए इसे किया. यहाँ से आपको पीछे की तरफ किक करके जैसे रनिंग में एक्चुअल पोजीशन में आपके पैर पीछे जाते हैं इस तरह से आपको बैक किक करके पैर फिर से जगह पर रखना. इस तरह से ये हम करेंगे 10 times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दो एक्सरसाइज हमने देखे. एक आगे की तरफ नी उठाया है और दूसरा पीछे की तरफ पैर को ले गए हैं. इस तरह से देखिए फिर से ये बैक किक है पीछे की तरफ. आपको इस तरह से जैसे आपकी रनिंग होती है बॉडी वेट आगे रखना है और पैर को किक करनी है पीछे की तरफ. दो एक्सरसाइज देखें. थर्ड एक्सरसाइज दोनों को मिला के है. आगे भी और पीछे भी पैर स्विंग करना है. आप सपोर्ट ले सकते हैं दीवार में. मैं पहले राइट लेग से करूँगा आगे एंड पीछे. इस तरह से आपको पैर को स्विंग करना है. इस तरह से 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. अभी हम करेंगे दूसरे पैर से. सपोर्ट लीजिए सीधे खड़े रहकर आगे पीछे. यहाँ मैक्सिमम पीछे की तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए क्योंकि आगे ज़्यादा पैर ऊपर जाता ही है. पीछे कोशिश करिए. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. ये हमने देखे थर्ड एक्सरसाइज. अभी फोर्थ एक्सरसाइज देखेंगे. इसीलिए दोनों तरफ के में से जंप एंड स्प्रिंट करेंगे. ये डायरेक्शन में देखते हैं ताकि दोनों पैर आपको ठीक से दिखे. आपको जंप करना है एक पैर आगे तो दूसरा सेम टाइम पीछे. फास्ट रनिंग करते टाइम आपकी जो पोजीशन होगी हवा में वो देखेंगे. पहले लेफ्ट आगे और राइट पीछे करेंगे. यहाँ आपको पैरों को थोड़ा बेंड करना है. लेग चेंज करके फिर से करेंगे. जब आप लैंड करोगे तो दोनों पैर
इसकी कोशिश करनी है। तो ये थे चार स्पेसिफिक एक्सरसाइज फॉर रनिंग, स्टेपिंग, बढ़ने के लिए, स्पीड बढ़ने के लिए, लेग की पावर बढ़ाने के लिए। फिफ्थ एक्सरसाइज करेंगे लंजेस। ये डायरेक्शन में देखेंगे लंजेस, बहुत सारे टाइप के हैं। आज हम स्टेपिंग लेग फॉरवर्ड लंजेस देखेंगे, पैर वापस पीछे, दूसरा पैर आगे, बेंड बैक, इस तरह से। सिक्स मोर, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग आगे, टू मोर, लेफ्ट आगे, राइट आगे। तो स्प्रिंट करने के लिए, डैश करने के लिए ये थे हमारे स्पेसिफिक एक्सरसाइज। इसके बाद आप परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपके पास जगह नहीं है, कोरोना की वजह से हम घर पे ही कर रहे हैं, तो जगह पे रनिंग करनी है। फास्ट गली में देख के आप कर सकते हैं मिनिमम 10 सेकेंड्स, क्योंकि 10 सेकेंड्स में आप ग्राउंड पे 40 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। तो 10 सेकेंड्स हम फास्ट भागेंगे जगह पे। 3, 2, 1 स्टार्ट। इस तरह से मैक्सिमम स्पीड आपको भागना है 10 सेकेंड के लिए, कम से कम जितना स्पीड दे सकते हो। इस तरह से आपको भागना है। देखिए अगर मैं 10 सेकेंड में इतना हाँ रहा हूं, तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करके अपना स्टेमिना बढ़ा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, जब भी आप ये प्रैक्टिस करोगे, हैंड मूवमेंट को मैक्सिमम स्पीड से मूव करना है। आप उसके लिए जगह पे इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। ये स्पीड जितना लोगे, कोऑर्डिनेशन, पैर का मोशन, इस तरह से फास्ट भागिए, तो आपका स्पीड अच्छा कर सकते हो, स्पीड से भाग सकते हो। ओके, तो आज हमने देखा स्प्रिंट के बारे में, डैश के बारे में। ये 5 साल से 8 साल तक के जो बच्चे 20 मीटर के लिए भागेंगे, 9 साल से 14 साल तक के बच्चे 30 मीटर भागेंगे, और 15 साल से जो आगे हैं वो 50 मीटर्स भागेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके, अभी हम देखेंगे स्प्रिंट या डैश की स्टार्ट कैसे करते हैं प्रैक्टिकली। हमने देखा है एक्सरसाइज और स्प्रिंट के बारे में, अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल। तो उसके लिए आपको चाहिए मीटर टेप, मार्किंग टेप, स्टॉप वॉच एंड स्कोर शीट। तो मैं यहाँ पे मार्क करूँगा स्टार्टिंग लाइन, ये स्टार्टिंग लाइन है। हम यहाँ से आगे कैसे स्पीड से भागते हैं वो देखेंगे। आपको स्टार्ट के लिए खड़े कैसे रहना है, एक पैर लाइन के पीछे, लाइन के बहुत पीछे नहीं, टच किया तो चलेगा लेकिन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, लाइन के पीछे, दूसरा पैर उसके
बराबर पीछे इस तरह से आपको खड़े रहना है। जैसे ही स्टार्ट होगा आपको स्पीड से इस तरह से भागना है, 15 मीटर आपको भागना है, 10 मीटर ये आपका डिस्टेंस होगा, लेकिन क्रॉस लाइन करके आगे जाना है, इसलिए मैंने आपसे कहा 15 मीटर भागना है। अभी हम फिर से स्टार्ट देखेंगे, लाइन के पीछे एक पैर, दूसरा पैर पीछे, इस तरह से खड़े रहना है और जैसे ही स्टार्ट होगा स्पीड से इस तरह से भागना है। तो ये है स्प्रिंट और डैश की स्टार्टिंग।